हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मैं बिहार से शूट कर रहा हूँ, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बिहार आए हुए थे कुछ काम से। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो ये देख सकते हैं जो कि मैं बिहार में हूँ, जो कि पूरा एकदम जा रहा हूँ रिटर्न अपने घर धनबाद। तो फिर काम पड़ेगा तो फिर आएंगे, लेकिन मेरा काम कम्प्लीट हो गया। तो ये देख सकते हैं जो कि कितना गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये बगल में रेलवे स्टेशन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं, जो कि ऋषभ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो अब क्या बताएं। और बिहार में इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछे मत, और लाइन भी इतना प्रॉब्लम कर रहा था कि मतलब कि फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहे थे, वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अब आज जा करके पटना से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ने के बाद में फिर हम धनबाद पहुँचेंगे। धनबाद पहुँचने के बाद देखते हैं, अगर ट्रेन में लेकिन टिकट तो नहीं हुआ है, अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं धनबाद बस से जाऊँगा पटना से। तो अब देखते हैं, जाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। पहले मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूं, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गया है, तो पानी का बोतल ले रहे हैं, पानी का बोतल लेके। और देख सकते हैं जो कि मैं छपरा बस स्टैंड पहुंच चुका हूं, क्योंकि उसी बस से जाना मुझे पटना। तो पटना जा करके मिलेंगे आपसे, तो इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बस के अंदर आ चुका हूँ, तो आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी की पूछिए मत। तो मैं आराम से बस के अंदर आ चुका हूँ, और ये अपने सीट पर आराम से बैठ जाते हैं, पानी पीते, हालत ख़राब हो गया है। इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाइन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि मैं मतलब कि ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रहा था, क्योंकि फ़ोन ही चार्ज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही हो कि मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग करता हूँ। तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो पटना पहुँचते हैं, पटना पहुँचने के बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड, में ये ब्लॉगिंग मतलब बिहार में ये मेरा ये पहला ब्लॉग है जो कि शूट कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जिस काम के लिए हम आए थे वो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और देख सकते हैं कि मतलब एकदम मेरा हालत ख़राब है, हम सोए भी नहीं है। फाइनली मैं पटना पहुंच चुका हूं, क्योंकि ये पटना बस स्टैंड है, मेरा ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो मैं पटना बस स्टैंड पर आया, और जो कि बस में मेरा टिकट कंफर्म मिल चुका है। जस्ट पानी ले रहे हैं, पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी लेकर के फिर आराम से जाकर के अपने बस में बैठ जाएंगे, और मिलेंगे आपसे धनबाद में। तो फिर सब बहुत जल्द मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ये देख सकते हैं जो पटना का बस है, जो भी नया बना है। तो चलते अपना सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो पानी बोतल दे दीजिए, भैया दे दिए। तो ये देख सकते हैं, और जो कि मेरा टिकट इस बस में हुआ है बुंदेला, जो कि धनबाद जाएगा। फाइनली मैं पानी लेकर के आ गया, और ये बस के अंदर हम जा रहे हैं, जो कि मेरा 5 नंबर मिला है, बुंदेला बस, कितनी धनबाद जाएगा। तो देखते हैं 5 नंबर कौन सा है। 5 नंबर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। मेरा सीट मिल चुका है, जो कि ये मेरा सीट है 5 नंबर। तो अब चलते हैं अपने सीट पे, तो मिलते हैं आप लोगों से फ्रेंड धनबाद में। फ्रेंड, फाइनली मैं धनबाद पहुंच चुका हूं, जो कि ये देख सकते हैं। तो अब चलते हैं घर, घर जा कर के मिलते हैं आपसे, और चाय पीने के लिए रुके हैं, तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में चलते हैं अपने घर, घर जा कर के आप लोगों से मिलते हैं, और टीचर से भी मिलवा देंगे आप लोगों को, जो कि दो दिन मिलते हैं टीचर को, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, जो कि उसको मैं लोगों से मिलवा नहीं पा रहा था। तो बहुत जल्द और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस चाय पी करके चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं, जो कि देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं ऋषभ को, जो भी सोया हुआ था हमको देख करके उठे, ऋषभ ये देख सकते हैं, ऋषभ अभी सो रहा है, तो चलते हैं अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, नहा करके अभी ऋषभ, तो हम भी चलते हैं। यार देखिए ऋषभ, अरे ले 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 ले, ऋषभ सो करके उठ चुका है, देख सकते हैं। अल्ले बाबू,
कैसे हो आप? मिस कर रहे थे मुझे? देख सकते कृषा मुझे मिस कर रहे थे। तो कृषा अभी सो करके उठा है ना? कृषा मुझे मिस कर रहे थे ना? हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद में फिर आपको ना बाबू। कृषभ जो कि दो चार दिन के बाद में कृषभ से मिल रहे ना बाबू। तो चलते हैं फ्रेंड, फटाफट नहा धोवा करके रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद में फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।